पेन ब्लू मार्कर। हम लोग 12th क्लास की बोर्ड सीरीज में इस स्टेप पे हम लोग वेक्टर्स और थ्री डी की बात करेंगे। और वेक्टर्स थ्री से 17 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो बच्चों हम देख रहे थे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वेक्टर्स थ्री, तो पहले हम इसको देखते हैं फिर हम बाद में बात करते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, ए क्रॉस बी होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर, इसको लैग्रांजियन आइडेंटिटी भी कहते हैं। तो हम लोग इसको प्रूव करके देखते हैं एक बार। हम लोग इसको एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस हम लोग इसको एलएचएस को लेंगे ए क्रॉस बी होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी। और जैसा कि हम जानते हैं ए क्रॉस बी मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर एल इसका होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, इसको हम लिखेंगे फर्दर ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू यूनिट वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए स्क्वायर और मॉड ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? नेक्स्ट मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू वन बिकॉज यूनिट वेक्टर का होल स्क्वायर इज वन प्लस मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो डेफिनेटली मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर दोनों जगह है, हम इसको कॉमन ले लेते हैं। मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर हम इसको कॉमन ले लेंगे, उनका बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। और हम जानते हैं कि ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर इंटू वन इसका वैल्यू कितना होता है, वन होता है। दैट मीन्स मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर ये हमको आरएचएस आ गया। बहुत सिंपल था, हम लोग इसको लैग्रांजियन आइडेंटिटी भी कहते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके काम का वीडियो है और अगर जैसे आपको अगर पसंद आ गया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, कर दीजिए शेयर और फिर चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी कहिए। और इस तरह के वीडियोज़ हम आपके लिए नया लाते रहेंगे। थैंक यू।